कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने साड़ी वेयर कर रखी है और मैं ना इंस्टाग्राम रील्स पर वीडियो बनाने जा रही थी। तुम लोग चिल्ला लो पहले। एक तो इस वीडियो को मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि आज मैं ये वीडियो शूट करूंगी। रील्स के लिए मैं वीडियो बनाने जा रही थी, तो सोचा कि क्यों ना ये छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने कोई भी रिंग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं किया, जस्ट बाहर अपना स्टैंड वगैरह रखा और अपना ये मेकअप करने जा रही हूं। तो आप ये बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। मैं बहुत ही कम से कम प्रोडक्ट में आपको ये मेकअप करके बताऊंगी और मैं बहुत ही जल्दी ये वाला मेकअप डन कर लेती हूँ। लाइक 4 से 5 मिनट मुझे ये पूरा मेकअप करते लगता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एकदम ऑसम सा मेकअप होता है। तो हम आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए चलो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस पे क्लीन अप किया है और क्लीन अप के बाद टोनर लगाया है और अब मैं मॉइस्चराइजर लगाने जा रही थी, तो सोचा आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँ। तो गाइज, ये सीताफल का मॉइस्चराइजर है, जो आपको पता ही है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पता नहीं पता अभी होगा कि नहीं, तो बहुत ही कम और मैक्सिमम प्रोडक्ट इसका मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेट रखती है, तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं अपना जस्ट फाउंडेशन की जगह कंसीलर अप्लाई करूँगी। जस्ट मेरा ब्रश कहाँ है गाइस, पता नहीं कहाँ रख दिया है। मैं उंगलियों की मदद से ही, ये जहाँ मेरे अंडर आया है जस्ट वहाँ पर ही मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी उंगलियों की मदद से। आप उंगलियों से भी कर सकते हो। इतना ज़्यादा फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर आपने लेना है, मतलब इतना कि पानी ना निकले बट ये वेट होना चाहिए। और उसके अच्छी तरह गाइज, ये वीडियो मैं बाहर बना रही हूँ, तो बाहर बनाने की वजह से मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो हल्की सी मुझे स्वेटनेस फील हो रही है। मतलब इतने पसीने में तो जल्दी मेकअप होता नहीं है, बट फिर भी मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। और इतने से कंसीलर में मैंने अपना पूरा फेस कवर कर लिया है जस्ट। और ये मेरा फाउंडेशन कंप्लीट है। ये भी कोड का मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैं थोड़े दिन पहले लेकर आई थी बट यूज़ नहीं किया, तो सोचा आज यूज़ कर लेती हूँ। कहाँ से खुलेगा ये? यहाँ से। ओके, तो इसको उल्टा करके हल्का सा डैप कर लो, पता नहीं यहाँ से निकलेगा या नहीं। और इसको पूरे फेस पे लगा लो। आओ, ये निकल क्यों नहीं रहा? उसके बाद ये ब्लशर यूज़ करूँगी मैं, जिसमें हाइलाइटर हल्का सा मिक्स है। तो मुझे वैसे हाइलाइटर की नीड नहीं है, तो मैं ये बस ब्लशर यूज़ करूँगी। गाइस, हमेशा ना ब्लशर अपना थोड़े से बिल्ड किया करो, लाइक पहले थोड़ा लिया फिर ज़्यादा। अगर हम एक ही साथ इतना ज़्यादा ले लेते हैं तो उसकी पैचेस वगैरह बन जाती है। ये मेरे साथ ही बहुत बार हो चुका है और अब एक्सपीरियंस के बाद मुझे पता चल रहा है कि ये अच्छा ऐसे होता है। हो गया। उसके बाद ये मैं रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी, तो आईज़ को मैं हल्का सा सटल लुक की दूंगी। तो पहले तो मैं न्यूड कलर अपने, अरे मैंने कंसीलर तो लगाया ही नहीं। तो मैंने ब्लेंडर पर ही लेकर जल्दी से ब्लेंड कर लिया है। गाइज, ये वीडियो बनाने के चक्कर में ही इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम लगता नहीं है मुझे मेकअप करने में। ये कॉम्पैक्ट जो भी था अपना हल्का सा अपने आईज पे लगा लो। मैं तो ऐसे लगाती हूँ। उसके बाद आई शेडो बहुत ही सटल सा लुक रखूंगी अपने आईज पे। तो पहले तो मैं न्यूड कलर,
बस हल्का सा शिमर अपने आईज पे लगा लेना है। बस ये होना चाहिए कि आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है आप आईज को कितना ज़्यादा सेटल रखते हो या फिर कितना ज़्यादा बोल्ड बनाते हो। मुझे तो बहुत नेचुरली पसंद है आईज पे। जब मेरे पास टाइम नहीं होता ना तो गाइस मैं एक ही ब्रश से सारा काम कर लेती हूँ। ये शुगर का आईलाइनर है तो मैंने एक बार यूज़ किया था बट वो बहुत जल्दी जल्दी में, तो आज मैं इसका यूज़ करूँगी अच्छे से। देखो कैसा है। तो इस साड़ी वाली लुक के साथ गाइस मैं वो विंग लाइनर करूँगी। मैंने पहले ही सोचा था कि मैंने विंग लाइनर करना है। ये सिस ब्यूटी का मस्कारा है, दिख रहा है आपको। तो जब मुझे रील्स वगैरह बनानी होती है तो मैं बहुत ज़्यादा वाटरप्रूफ वगैरह मस्कारा नहीं लगाती, सिंपल मस्कारा ही लगाती हूँ ताकि जल्दी से उतर भी जाए। आप चाहे तो आई लैशेज वगैरह भी लगा सकते हो बट मैंने नहीं लगानी। मैं अगर रील्स वगैरह बनाती हूँ तो बस मस्कारा अप्लाई करती हूँ। वैसे भी मेरी लैशेज हल्की सी लंबी है, ठीक तो नहीं है बट लंबी है तो ठीक, मैं मस्कारा लगा कर ही कर लेती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और गाइस अब मैं ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। तो जब भी मुझे जल्दी जल्दी काम करना होता मैं पेंसिल का यूज़ करती हूँ, आईब्रो पैलेट्स वगैरह का यूज़ नहीं करती, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो मेरे पीछे और उसके बाद ही इसमें एक ये ब्रश दिया होता है, देखो इसके बाद इसमें ये ब्रश दिया होता है और ये मार लूँगी मैं ताकि इसके लाइंस और स्ट्रोक्स बन जाए और मेरे नेचुरल आईब्रो के साथ मिक्स हो जाए। और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने आईब्रो फिल किया है या ये मेरे नेचुरल आईब्रो है। बस ये याद रखना है कि आपको ना ब्राउन कलर का आईब्रो फिलर यूज़ करना है, ब्राउन नहीं तो ग्रे। आपको ब्लैक यूज़ नहीं करना, जेट ब्लैक यूज़ नहीं करना, बस ये दो शेड आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद मैं अपना लिपस्टिक लगाऊंगी, लिप लाइनर पहले, ये भी स्विस ब्यूटी का है। आप चाहे तो अपर लिप्स मतलब अपर लिप अपने लिप्स के बाहर भी कर सकते हो और अंदर भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है टोटली। मुझे हल्के से पाउटी लुक चाहिए थी तो मैंने थोड़े से बाहर की तरफ से किए और ये लिप शेड मतलब कि मैं जब भी रील्स वगैरह बनाती हूँ ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड्स का यूज़ नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती, नॉर्मल से करती हूँ ताकि एक तो ये है इनको उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जल्दी से फेस वॉश वगैरह किया तो जल्दी उतर जाता है। ये लगाने के बाद एक और बार मैं लिप लाइन करूंगी। अच्छे लग रहे हैं ना, मुझे अपने लिप्स का ही होता है कि लिप्स ज्यादा अच्छे दिखने चाहिए। अब मैं इसके साथ अपने, मैं चाहती हूँ कि आईब्रो मेरे थोड़े अच्छे लगे तो मैं हाइलाइटर का यूज करूंगी और यहाँ पर मैंने अपने आईब्रोज को हाईलाइट करना है तो मैं एक हाईलाइटर लूँगी और बहुत छोटा ब्रश ना लेते हुए मैं ये सिर्फ एयरबड लूँगी और एयरबड के साथ जो ये हाईलाइटर है ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जस्ट ये ब्रो बोन पे
उसके बाद ये उंगलियों की मदद से ही ये कॉर्नर्स पे जस्ट ये बहुत ही ज्यादा हो गया, तो मैं इसे एयरबड से ही इसकी दूसरी साइड से हल्का सा रिमूव कर दूंगी और अपने नोज पे हल्का सा टिप पे शाइन के लिए और ठुड्डी पे जस्ट उंगलियों की मदद से ही ये बहुत ही ज्यादा लाइट और जस्ट इस एरिया पे और इसे ही ब्लेंड कर लूंगी। और इस पे मैंने गाइस किसी भी फिल्टर का यूज नहीं किया और जस्ट एक काली बिंदी जो मुझे बहुत पसंद है, साड़ी के साथ वैसे भी बिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो इसको कैसे मैं स्किप कर सकती हूँ। तो इस बिंदी लग गई मेरी बिंदी और बाकी का फाइनल लुक एंड हियर इज माई फाइनल लुक गाइस। तो मैंने एक बन कर लिया था 2 मिनट में, तो इसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी है, आप जाके देख सकते हो। ये भी बहुत ही ईजी और 2 मिनट के अंदर अंदर हो गया था, तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था सीरियसली। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपका पता नहीं मुझे आपको पसंद आया या नहीं, क्योंकि हर एक का लाइफस्टाइल अलग होता है, टेस्ट अलग होता है। तो मुझे तो ट्रेडिशनल लुक सीरियसली बहुत पसंद है, तो मुझे ये लुक बहुत ही पसंद आ रही है। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, छोटा क्या पूरा ही लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि न्यू मेरी वीडियो आए तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन आए और आप वो जाकर देख सको। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड अभी के लिए बाय, मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो बाय।